सुनो बात सुनो हरिओ। देखिए अपने चिड़ियाघर के सभी फेवरेट एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ sonylive.com sonylive.com पर। मोंटू जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मोंटू जी प्लीज। मानव, अगर मैं तुझे जाने दूंगा ना, तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या होगा। क्या देखना है तुझे? दो मिनट यहीं रुक। मानव, अगर मैं तुझे नहीं रोकता इस लकड़ी के जगह पे तू लटकता होता। थैंक यू मोंटू, थैंक यू मोंटू। आप आए बाहर आई, वेलकम बैक। ओए गर्ल, सॉरी बॉस नंबर टू। बॉस नंबर वन के आने की खुशी में हम आपको भूल गए थे। ए रोहित केवल, इधर आओ। रोहित केवल यहाँ पे आओ। ए, इधर आओ। वहां नहीं, यहाँ पे। स्टॉप फेरीज। बॉस नंबर वन एंड टू, हमें डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए कि हम कौन से साइड जाए। तब तक अब आपस में इंट्रो कर दो। डोंट एंग्री रॉनी। ए मोंटू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्लान फेल करने की? हिम्मत कैसे हुई, अभी दिखाता हूं। देखो रॉनी, ये सब छोड़ो और सुधर जाओ। मैं भी तुम्हारे जैसे पहले बहुत शरारत करता था, लेकिन अब मैं अच्छा बच्चा हूँ। और बिलीव मी, अच्छा बच्चा बनके बहुत अच्छा फील होता है। दोस्त दोस्त दोस्त, मैं कमजोरों से दोस्ती नहीं करता, उनके ऊपर हुक्म चलाता हूँ। हुक्म। ये दोनों मुझे कमजोर बोले, लगता है हमारी बात पर है। ये बच्चे देख लो, इन सबके अंदर तुम्हारे लिए जो डर है ना, उससे 100 गुना ज्यादा डर मेरे लिए है। और तुम्हारी भी भलाई इसी में कि तुम मुझसे डर के रहो। शेर का पिंजरा खाली क्या देख लिया, इसके अंदर घुस के बैठ गया और खुद को शेर समझने लगा। बकरी है तू, बकरी समझा। ये तेरे कान है ना, ये खोल के सुन ले। मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी हमेशा हमेशा के लिए वापस आ गया हूं। और खबरदार, मेरे होते हुए तुमने किसी भी कमजोर बच्चे को परेशान करने की कोशिश की तो ये तो वक्त बताएगा। डोंट एंग्री रॉनी। चल मानव। क्या? क्या? मानव तू सच कह रहा ना कि मोंटू ने तुझे रोनी से बचाया? तुझे तो पता है ना पुखी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जो कल तक हमारी जान का दुश्मन था वो अचानक से हमारी जान बचाने वाला कैसे बन गया?
दोस्तों, मैं हॉस्टल में रहने गया था और मैं वहां जाकर सुधर गया हूँ। और अब मैंने ये ठान लिया है कि मैं मेरे ताकत का इस्तेमाल अच्छे बच्चों को बचाने में और बुरे बच्चों की वाट लगाने में करूंगा। हाँ, अब से मैं मोंटू बॉस नहीं, अब से मैं मोंटू दोस्त हूँ। नहीं मोंटू, हमें अभी भी तुझ पर डाउट है। ठीक है, तुम्हारा मैं डाउट अभी क्लियर करता हूँ। मानो थोड़ा सा दूर आओ दोस्तों, मेरे गले लग जाओ। अरे रुको, अरे सुनो, पीटी पीरियड शुरू होने वाला है। हाँ मैंने सुना है, ये नया पीटी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइम पर नहीं पहुंचे ना तो पनिशमेंट मिल सकती है। चलो चलते। सॉरी मोटू, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई सॉरी। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? ठीक है, ऐसे बड़े बड़े गालों पे छोटे छोटे हाथ पड़ते रहते। अच्छा बरसाने वाले यंत्रों को रोकना बहुत मुश्किल है। अभी तो ये शांत है, लेकिन जैसे हम इनके सामने जाते हैं, ये फिर से हम पे आके गलों की बरसात शुरू कर देते हैं। नहीं बालवीर, ये दोनों यंत्र हम पर नहीं, बल्कि हमारे साथ हमेशा चलने वाली हमारी परछाई पर हमला कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला रानी परी? बालवीर, जब हम भयानक लोग की तरफ बढ़ रहे थे, तब हमसे पहले हमारी परछाई ने उस सीमा रेखा को छुआ, और ठीक उसी समय आपके गोले बरसाने वाले ये यंत्र सक्रिय हो गए थे, और तब से लेकर अब तक ये यंत्र हमारी परछाई को निशाना बनाकर हम पर गोले बरसा रहे हैं। हाँ रानी पर, आप सही कह रही, लेकिन हम अपनी परछाई से अलग भी तो नहीं हो सकते, तो फिर हम इन आग के गोले बरसाने वाले यंत्र से बचे कैसे? इन यंत्रों की ताकत को इनकी कमजोरी बनाकर। बालवीर, आप भटकाती परी की शक्ति का उपयोग कीजिए और इन यंत्रों के ऊपर हम दोनों की परछाइयां बना दीजिए। मैं समझ गया रानी परी, अभी करता हूं भटकाती परी की शक्ति का उपयोग। हे भटकाती परी, कर ऐसा करिश्मा कि आपके गोले बरसाने वाले यंत्रों पे बन जाए मेरी और रानी परी की परछाइयां। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है। चलिए बालवीर। रोनी बॉस, मोंटू बॉस वापिस आ गए, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बॉस आप तो नहीं, हमारा क्या होगा? हाँ, हम तो बुरी तरह फंस गए, एक तरफ टेम्पो तो एक तरफ ट्रक, हम किसकी तरफ जाए? तुम दोनों अगर मुझे छोड़ के गए ना, तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझ गए? और तुम लोग उस मोंटू की तो टेंशन बिल्कुल मत लो, वो मोंटू मुझसे डरता है, इसीलिए तो वो अच्छा बच्चा बन गया है। वो भी जानता है कि इस स्कूल में सिर्फ एक ही बुरा बॉस रह सकता है, और वो बुरा बॉस है रॉनी।
Don't angry, Ronnie. क्या? अब देखो मेरा जलवा, कैसे निकालता हूँ इस मोंटू का हलवा। ए रॉनी, तुझे चलना नहीं आता क्या? या मैं सिखाऊं? ए! डोंट एंग्री रॉनी। वही तो क्या? हाँ? कमजोर पे हाथ उठाना आसान होता है, अगर हिम्मत है ना तो बराबरी वाले से लड़। ए! 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 है लगता मुझे हार का सदमा कर गया गहरा असर इनके दिमाग पे और हो गई ये पागल, जो हंसे जा रही है कब से बिना वजह। बेवकूफ, बेवकूफ तो तुम हो ही, साथ में बहरे भी हो गए हो। मेरी जीत के धमाके नहीं सुने तुमने? लगता है उन परियों ने यहाँ घुसने की कोशिश की होगी और आग के गोले बरसाने वाले मेरे यंत्रों ने उनकी इस कोशिश को मिट्टी में मिला दिया। हमारे इरादे नहीं बल्कि तुम्हारे वो यंत्र मिट्टी में मिल चुके हैं भयंकर परी। नहीं, ये नहीं हो सकता, उन यंत्रों से बच पाना नामुमकिन है। तुम ये कैसे भूल जाती हो भयंकर परी कि सच्चाई के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, बुराई चाहे जितना भी सर उठा ले आखिरकार उसे सच्चाई के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। और आज तुम्हारे और इस जयवीर के अंत के बाद ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। ये तुम्हारा परीलोक नहीं है, ये मेरा भयानक लोक है।
बालवीर और रानी परी से एक साथ लड़ना नामुमकिन है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। परी जैसे तैसे बच निकली, लेकिन सच्चाई के शक्तिशाली पंजों से ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगी। सावधान! विश्राम, मैं पूछता हूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीटी पीरियड में झगड़ा करने की? सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये रोनी है ना, इन कमजोर बच्चों को परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं उन्हें बचा रहा था। नहीं नहीं सर, अब सर ये झूठ बोल रहा है। इसने बिना वजह मेरे साथ झगड़ा शुरू किया सर। हाँ? सावधान! विश्राम, अगर तुम लोगों को आपस में इतना ही गुस्सा है तो गुस्से को निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं। क्रिएटिव अप्रोच रखो लाइफ में। अगर एक दूसरे को चैलेंज करना है तो स्पोर्ट्स में चैलेंज कीजिए। बी सपोर्टिंग। अब तुम दोनों का फैसला एक ही तरीके से हो सकता है। तुम दोनों का आमना सामना होगा बॉक्सिंग रिंग में। वो भी कल ही। Yes, sir. Good. तो बच्चों, अब हम पीटी शुरू करेंगे। सारे के सारे बच्चे फॉल इन लाइन, जल्दी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू। मोंटू, तूने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब देखना कल मैं तुझे कैसे हराता हूँ। अरे जा जा, कल जब मैं तुझे हराऊंगा ना तब तुझे पता चलेगा। डोंट एंग्री रॉनी। तुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है ना, तो एक शर्त लगाते हैं। कल जो भी हारेगा ना वो स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। बोल, है दम? डील, डील। गेट अप! तुम लोगों में फुसफुस अभी भी चालू है। तुम दोनों पीछे जाओ, पीछे जाओ। मैं कहता हूं पीछे जाओ, पीछे जाओ। वो पीछे चले गए सर। ओके ओके। सावधान! विश्राम, हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पीटी। उषा? सर हमें पता है आप हमारे नए पीटी टीचर हैं। नो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने पीटी सर का पूरा नाम पता होना चाहिए। मेरा नाम है पीटी सर, यानी के सर प्यारे लाल ठक्कर सर। गॉट इट?
Catch your favorite episodes of FIR only on Sony Live.